कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया, जिसमें जिले में कुल 41 बूथों पर 2904 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में 1014 पुरुष और 1890 महिलाएं शामिल रहीं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 71% स्वास्थ्यकर्मियों का आज टीकाकरण हुआ है, जिनमें 5 लोगों को हल्की दिक्कतें आईं, जिनको वहीं ट्रीटमेंट दिया गया, जिसके पश्चात वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर गए। उन्होंने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। शुक्रवार को हुए टीकाकरण अभियान में भी यह सामने आ गया है। राहत की बात यह है कि गोरखपुर में वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, 22 तारीख को हमारे यहाँ 41 बूथों पर टीकाकरण हुआ, जिसमें कि पुरुषों का 1014 पुरुष का टीकाकरण हुआ और 1890 महिलाएं टीकाकरण हुई। टोटल हम 71% का अचीवमेंट रहा। हर जगह बिल्कुल ही शांतिपूर्वक टीकाकरण हुआ। बहुत कम जगहों पर माइनर थोड़ा सा दर्द है, 2-3 जगहों पर बताया गया कि थोड़ा सा दर्द है, इस तरह का रिपोर्टिंग हुई, बाकी बिल्कुल ठीक रहा। एक महिला जो है उसको थोड़ी एंजाइटी हुई, वो भी ठीक है। किस सेंटर पे सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स देखा? खजनी सेंटर पे सबसे ज़्यादा टीकाकरण 100% टीकाकरण हुआ है। सर, पूरे दिन में आज सबसे ज़्यादा टीकाकरण किया गया है, तो कहीं से किसी भी प्रकार की कोई से सूचना इस तरह की आई कि जो टीका लगवाने के बाद किसी को दिक्कत होने पाई? हाँ, 3-4 जगह से ऐसी खबरें आई कि जिसमें थोड़ा सा चक्कर हल्का आ रहा है या इंजेक्शन साइट पर दर्द हो रहा है, और जो कि दवाई देने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया और लोग चले गए। एक महिला है जिनको थोड़ी एंजाइटी रही, तो वो अस्पताल में रुकी रही, भर्ती रही, और वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। सर, अगला टीकाकरण कब होगा, कितने लोगों का? इतने ही लोगों का होगा, 41 बूथों पर चलेगा, और अगला टीकाकरण जो है 28 तारीख को। सर, अगले टीकाकरण को लेके आप किस तरह से लोगों को फिर सूचना देंगे? और एक तो कोविड पोर्टल पे आप लोग मैसेज अपलोड कर ही रहे हैं जिनको अगले दिन टीका होना लगना है, तो इसके अलावा भी उनको बुलाने के लिए किस तरह का पहल किया जाएगा? अब व्यक्तिगत रूप से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, फ़ोन से इन्फॉर्म किया जाएगा, और पब्लिक मोबिलाइज किया जाएगा, लोगों को भेजा जाएगा, उनको ले आएँ और टीकाकरण कराएँ। हाँ, पहले से जिनका डाटा फीड है, वही अगर नंबर भी नहीं आया है, फिर भी डाटा फीड है, तो वो जा करके एंट्री करा करके टीकाकरण करा सकते हैं, लेकिन पोर्टल पर पहले से एंट्री होनी चाहिए।